खामोशिया बेचैनिया ना दानिया। चंदू देखो मेरा रुबाब। इसे रुबाब नहीं रुमाल कहते हैं। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैंने जो बच्चों के साथ किया वो देखा, कमाल था। बच्चों के साथ जो किया वो कमाल था, तुमने उन्हें सुला दिया, इसमें क्या कमाल किया? ओ अच्छा, तुम्हारे लिए तो खाना और सोना यही दो चीजें कमाल है ना। अरे नहीं नहीं चंदू, मैंने जिस तरह से बच्चों को कंट्रोल किया वो देखा तुमने, मेरे बाएं हाथ का खेल है ये सब। नंदू से कंट्रोल करना नहीं, अत्याचार करना कहते हैं। अच्छा हाँ। मुझे तो लगा तुम जो मेरे साथ करती हो ना उसे अत्याचार कहते हैं, इसे तो डिसिप्लिन कहते होंगे। नंदू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ज्यादती है ना। ये ज्यादती कहाँ, ये तो मम्मी जी है। नहीं नहीं मैं कह रही हूँ तुमने बच्चों के साथ जो किया वो ज्यादती है, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अरे यार चंदू, पहले तुम कहती हो कि मैं उन्हें बिगाड़ रहा हूँ, अब मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ, तो उससे भी तुम्हें परेशानी, आखिर चाहती क्या हो तुम? ओए नंदू पुत्र, तू तो जानता ही है कि बहू है ही ऐसी। तू वो टीवी ना देखने वाला प्रोग्राम कैंसिल कर दे। ए चंदू तुझे पता है सास भी कभी नागिन में हुड्डा की 5वीं बार प्लास्टिक सर्जरी हुई है। हाँ, और आज उसका नया रूप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, उसके बाद बच्चों के स्कूल जाना है, उनका मिड टर्म का रिजल्ट देने। हाँ जाजा, तू काम क्या कर, हर वक्त बस टीवी टीवी टीवी। हाँ टीवी चला दे। सॉरी मम्मी जी, अगर बच्चों को सुधारना है तो 1 महीने के लिए टीवी बंद। ओके ये बात उधर नंदू, आए ये सब तेरी वजह से हो रहा है, ना तू उसे उकसाती ना वो टीवी बंद करता। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, यूट्यूब पर देख लूंगी। अरे बाबा जी मैं कौन सी ट्यूब पर देखूं? उफ, सिर्फ आधे घंटे में 2 बजने वाले हैं, मेरा तो सीरियल छूट जाएगा। इन चूहों ने मेरी शर्ट कुतर दी, छोड़ूंगा नहीं मैंने। मेरा प्यारा रोज दुलारा, अभी तक नाराज है? हाँ मम्मी जी बहुत नाराज हूँ। माफ कर दे पुत्र, इस गलती के लिए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देख पुत्र, हर इंसान से कभी ना कभी गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनका टीवी देखना बंद करा दे, ये अच्छी बात नहीं है। टीवी देखना, इस गलती के लिए तो मैं उन्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा। अरे टीवी क्या चीज है मम्मी जी, अभी पेस्ट कंट्रोल को बुलाता हूँ। तू अपने बच्चों को पेस्ट कंट्रोल वालों से भगाएगा? बच्चों को? अरे मैं तो चूहों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरी शर्ट को उतर दी, देखिए। हाँ, आप बच्चों की बात कर रही है, वही मैं सोचूं कि उन्हें टीवी देखने के लिए क्यों कह रही है, चूहे थोड़ी ना टीवी देखते हैं। पुत्र बच्चों को माफ कर दे। नहीं नहीं मम्मी जी, उनके साथ सख्ती से पेश आऊंगा ना, तभी वो लोग सुधरेंगे। देख पुत्र, बच्चों को ना प्यार से समझाया जाता है, सजा दे के नहीं, नहीं तो बच्चे और भी बिगड़ जाते। अच्छा मम्मी जी, बचपन में जब तू छोटा सा था ना, तू बड़ा शरारती होता था, तेरे मास्टर जी हर वक्त तुझे मुर्गा बना कर ना क्लास के बाहर बिठा देते थे। एक दिन तू मुर्गा बना बना ना वहाँ से भाग गया और प्रीतों के खेतों में घुस गया। लो जी तूने उसके सारे खेत ही तहस नहस कर दिए। तेरे बाबू जी को पता चला तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने धर धर के तेरे कान के नीचे 8-10 दिए। हाय पुत्र, मुझे तेरे पे बड़ा तरस आया, मैंने तुझे समझाया तो तू समझ गया। पर मम्मी जी बाबूजी तो मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, वो तो बड़े संस्कारी थे ना। संस्कारों से ही तो याद आया, तेरे बाबूजी ने कहा था कि बच्चों को ना प्यार से समझाना चाहिए। तू अपने बाबूजी की बात काटेगा? ये कब कहा था बाबूजी ने? जब तू स्कूल गया हुआ था। ये गलत बात है मम्मी जी, बाबूजी हमेशा आपसे और पप्पू से ही बात करते थे, और वो भी तभी जब मैं स्कूल गया हुआ होता था। वो तू सब छोड़ पुत्र, तू अपने बाबूजी की इच्छा का पालन कर और बच्चों को प्यार से समझा, उन्हें माफ कर दे पुत्र। ठीक है मम्मी जी। पुत्र जो भी करना 2 बजे से पहले करना। हम लोग तेरे कहने पे खेल रहे, अगर पापा ने देख लिया तो? अरे कुछ नहीं, पापा तो ऐसे ही गुस्सा करते रहते, तू टेंशन मत ले। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही थी, मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। अच्छे जी, मैं प्यार से समझाऊंगा ना तो मान जाएंगे। क्या कर रहा है चिंटू? पापा आ रहे, और तुमने ही तो कहा था पापा को
कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तू खेलता रहे, मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? बच्चों उठ जाओ। देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ जाती की है, लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात मानते तो मैं ऐसा कभी नहीं करता ना। मैं तुम लोगों की सजा माफ कर दूंगा। हम टीवी देख सकते हैं? हाँ। और बाहर खेलने भी जा सकते हैं? हाँ जा सकते हो। और रूम भी साफ करने की जरूरत नहीं है? नहीं। और शैतानी भी कर सकते हैं? नहीं, तुम लोग रुको, सुनो। चल चिंटू, खेलने चलते। मैंने कहा था ना, पापा ऐसे गुस्सा होके नाटक करते। अरे क्या कर रहे हो यार? अरे बच्चों, अरे छोड़ दो यार। अब सही होगा अत्याचार। आज से 2 महीने टीवी बंद। क्या? आए मेरा सीरियल। खामोशियां बेचैनियां।